हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा के सत्संग के दौरान घायल हुए लोगों का अस्पताल में पहुंचकर हाल जाना। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 120 से अधिक लोगों की मौत होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके बाद सभी की बॉडी को मेडिकल कॉलेज एटा को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से भक्तों की स्थिति खराब हो गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुए मामले का संज्ञान लेते हुए मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार तहसील में मुगलगढ़ी नेशनल हाईवे पर पुलराई गांव में आज मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति नामक स्थान पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कई लोग हताहत हुए। उन्होंने बताया है कि मृतकों की संख्या 120 से अधिक होने की आशंका है। कई हताहतों को हाथरस के अलावा एटा और अलीगढ़ जिले में शिफ्ट किया गया है। मरने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। वही आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों का हाल जाना। वही इस पूरे मामले में पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें एक मुख्य आयोजक है और बाकी सब अज्ञात है। हालांकि पूरा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह हादसा है या साजिश, इसकी हम तय तक जाकर देखेंगे। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ